का हाल बतोहार, आज की वीडियो कंप्लीट पोलर पैरेट फिशेस के ब्रीडिंग के ऊपर है, वो भी फुल अपडेट के साथ। मैं आपको बेबीज भी दिखाऊंगा, साथ ही कई सारे केयर टिप्स भी दूंगा। अगर आप अपने घर पे पोलर पैरेट फिशेस को ब्रीड करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखो। साथ ही मैं इस वीडियो पे 305 लाइक का टारगेट भी रख रहा हूँ, तो प्लीज इस टारगेट को भी पूरा करवा दीजिएगा। अगर आप अपने घर पर पोलर पैरेट मछलियाँ रखना चाहते हो तो ये भी काफी अच्छी तरह से रह लेती है, काफी चुलबुली, काफी प्यारी मछलियाँ होती है। लेकिन आपका फोकस मेन इनके ब्रीडिंग के ऊपर है तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप बस पोलर पैरेट मछलियाँ रखना चाहते हो तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, जब मैंने इनका टैंक, ये वाला टैंक सेटअप किया था। इससे पहले भी जो पुराना वाला टैंक सेटअप किया था, दोनों वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन अगर आपका फोकस है, आपका मन है कि आपके घर पर भी आपके पोलर पैरेट मछलियाँ ब्रीड करें और आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, तो सबसे पहले आपको शुरुआत करना होगा पोलर पैरेट परचेज से। जब आप पोलर पैरेट मछलियाँ खरीदने जाते हैं एक्वेरियम शॉप पे, उस समय आपको ध्यान देना होगा कि आप हेल्दी मछलियाँ लें। अगर आपको मेल फीमेल पता है तो आप मेल फीमेल करके भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप डायरेक्ट जाइए एक्वेरियम शॉप पे और 5 से 6 पीस आप पोलर पैरेट मछलियाँ परचेज कीजिए और उनको लेकर आइए अपने घर पे। मैंने भी वैसा ही किया था, पोलर पैरेट मछलियाँ लाकर उनको आपको रखना है एक बड़े से एक्वेरियम के अंदर। अगर आप 5 से 6 बड़ी पोलर पैरेट मछलियाँ ला रहे हो तो कम से कम उसको 1.5 से 2 फीट का टैंक दीजिए। उस टैंक के अंदर ढेर सारे आप प्लास्टिक प्लांट्स या लाइव प्लांट भी लगा सकते हैं। साथ ही आपको ढेर सारा हाइडिंग स्पेस देना होगा, क्योंकि पोलर पैरेट मछलियों को छुपना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और जो आप हाइडिंग स्पेस देंगे उन्हीं के अंदर ये ब्रीड भी करती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। साथ ही अगर आपको मेल फीमेल के बारे में जानना है कि पोलर पैरेट के अंदर आप मेल फीमेल किस तरह पहचान सकते हो, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरी चार पोलर पैरेट मछलियाँ हैं और इनको ही देखकर मैं आपको बताता हूँ कि इनमें मेल कौन है फीमेल कौन है। यहाँ पर आप जो साइड में भागती हुई मछलियाँ देख रहे हो ये फीमेल है, साथ ही यहाँ पर आपको ये डार्क कलर का जो मछली दिख रहा है ये मेल है। इस तरह मैं क्लियरली कैसे आपको बता दे रहा हूँ वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। पोलर पैरेट मछलियों के अंदर आपको अगर मेल को रिकॉग्नाइज करना है, मेल को पहचानना है, तो उसके लिए अगर आप देखोगे तो मेल जो फिशेज रहती है उनका बॉडी थोड़ा फीमेल से बड़ा होता है, साथ ही उनके फिन्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, फिन्स थोड़े लंबे भी होते हैं पीछे की ओर। जिस तरह की आप यहाँ पर ये वाली मछली देख रहे हो, इसके फिन्स आप देखिए कितने लंबे लंबे हैं, साथ ही इसका कलर भी डार्क है और बॉडी भी थोड़ा बड़ा है। आप यहाँ पे दोनों का बॉडी कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पर ये जो ऊपर की ओर है ये भी मेल है, आप इन दोनों का बॉडी देखिए आपको ये सिमिलर ही लगेगा। साथ ही मेल के अंदर एक और चीज़ आपको आप देख सकते हो कि उनका जो फिन्स है वो थोड़ा ब्लूइश कलर का होगा, थोड़ा चमकता है वो। यहाँ पर आपको दोनों घड़ों के अंदर जो आपको मछलियाँ दिख रही हैं ये दोनों मेल है, साथ ही ऊपर प्लांट के पास आप देख रहे हो व्हाइट पोलर पैरेट है वो फीमेल है। फीमेल का बॉडी मेल के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है, साथ ही उनका हेड का साइज भी थोड़ा छोटा होता है और उनके बॉडी पे उतना ब्लूइश फेड नहीं होता है जो फिन्स के ऊपर, जैसा मैंने आपको मेल के अंदर बताया वैसा नहीं होता है। अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान दोगे तो आप इजिली पोलर पैरेट फिशेस के अंदर मेल और फीमेल को पहचान सकते हो। और इन चुलबुली मछलियों को लाने के बाद आपको इनको शिफ्ट करना है एक बड़े से टैंक के अंदर। यहाँ पर मैंने इनको 2 फीट का टैंक दिया है और यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी तरह से रह रही हैं। ये काफ़ी चुलबुली होती हैं और एक दूसरे से झगड़ती भी रहती हैं, तो इसलिए आपको इनको काफ़ी ज़्यादा हाइड स्पेस देना होगा। उसके लिए आप देखिए यहाँ पर मैंने करीब 5 घड़े दिए हैं, 2 घड़े हैं और 3 छोटे गमले मैंने प्लास्टिक के डाले हैं। ये देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसी के अंदर पोलर पैरेट मछलियाँ ब्रीड करती हैं और साथ ही इनके अंदर ये रहती भी हैं। पोलर पैरेट फिशेस के अंदर अगर आप मेल फीमेल को खुद से सेलेक्ट करके उनको सेपरेट टैंक में रखते हो ब्रीडिंग के लिए, तो उस तरीके से पोलर पैरेट फिशेस का ब्रीडिंग नहीं होता है। आपको इन्हें एक कम्युनिटी देना होगा जहां पर ये 5 से 6 मछलियां रहेंगी और इन्हीं में से ये कुछ अपना पेयर बनाएंगी। ये खुद से ही अपना पेयर सेलेक्ट करती है, तो आपको इसमें इंटरफेयर नहीं करना है। इनको एक कम्युनिटी टैंक देना है, सेफ इन्वायरमेंट देना है, फिर उसके बाद इनका पेयर जब सेलेक्ट हो जाएगा तब आपको उस पेयर को शिफ्ट करना होगा दूसरे छोटे से टैंक के अंदर। आप 1 फीट का टैंक यूज़ कर सकते हो, मैंने भी यहाँ पर 1 फीट के टैंक के अंदर एक जो पेयर सेलेक्ट हो गया था, पेयर कंफर्म बन गया था, तो उसको मैंने शिफ्ट कर दिया इस टैंक के अंदर, क्योंकि दूसरी पोलर पैरेट फिशेज इनसे फाइट कर रही थी और वो भी इसी घड़े के अंदर जाना चाहती थी जिस घड़े के अंदर ये रह रहे थे। यही मेन रीज़न नहीं था इनको दूसरे टैंक के अंदर शिफ्ट करने का। दूसरी पोलर पैरेट मछलियाँ इनके अंडों को और साथ ही इनके बच्चों को भी नुकसान पहुँचा सकती थी। उनके एक बार दूसरी मछलियों ने इनके अंडों को भी खा लिया, तो इसीलिए इनको यहाँ से शिफ्ट करना ज़रूरी था। साथ ही अगर आपके पास 1 फीट का टैंक या छोटा टैंक नहीं है तो आप इनको एक बड़े से कंटेनर के अंदर भी रख के ब्रीड करवा सकते हो। साथ ही जिस हाइडिंग स्पेस को ये यूज़ कर रहे थे, जिस घड़े को यूज़ कर रहे थे, वही वाला आपको इन्हें दोबारा देना है। अगर आप दूसरा घड़ा इनको देते हो तो ब्रीडिंग में थोड़ा लेट हो सकता है। मैंने सेम वही वाला घड़ा दिया और घड़े के साथ ही दोनों को शिफ्ट कर दिया एक इस टैंक के अंदर और एक ही दिन के बाद इन्होंने अंडे ले कर दिए। शिफ्टिंग के बाद मेल अभी भी थोड़ा डर रहा था, वो पीछे की ओर था, लेकिन फीमेल जो कि घड़े के अंदर थी और उसने एक ले कर दिए।
एग लेइंग के सेकंड डे के अंदर ही मैंने देखा कि छोटे छोटे से नन्हे नन्हे बच्चे भी उन अंडों से बाहर निकलना शुरू हो गए। ये बच्चे बिल्कुल मूव नहीं कर रहे थे, बस बहुत छोटे छोटे से थे और उसी जगह पे बैठे हुए थे जहाँ पर उनका अंडा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फीमेल इतने जल्दी अंडे दे देगी और इतने जल्दी ही इन अंडों से बच्चे भी आ जाएंगे, लेकिन इन बच्चों को अभी बड़ा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। जब मैंने तीसरे दिन चेक किया इनको तो बच्चे बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे, हल्का फुल्का मूव कर रहे थे और फीमेल ऊपर से उनको एयर फ्लो पानी का फ्लो दे रही थी। अगर आप इस घड़े के अंदर गौर से देखो तो आपको फीमेल के नीचे जस्ट घड़े के सरफेस पे आपको छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से ब्लैक ब्लैक से डॉट दिख रहा होगा, वही इन पोलर पैरेट्स के बच्चे हैं जो कि काफ़ी छोटे, बहुत छोटे साइज के अंदर है। जो मैंने बाहर वाइट ग्रेवल रखा है वो भी इनसे मुझे बड़ा लग रहा है। और जो हमारा मेल पोलर पैरेट है उसको तो ज़्यादातर छुपना ही पसंद है। आप देखिए वो अभी भी प्लांट के पीछे जाकर छुपा हुआ है। ये देखिए मेल अभी जस्ट बाहर घूमने आया, बाहर का चीज़ देखने आया और देखते हैं ये तुरंत ही दोबारा अपने उसी प्लांट के पीछे चला गया। ये यहीं पर रहता है और फीमेल बस अकेले इन अंडों का ध्यान रखती है। मेल पोलर पैरेट को मैं बहुत कम ही देखता हूँ घड़े के अंदर आते हुए। अभी मैंने जस्ट इसको घड़े के अंदर आते हुए देखा तो मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पर दोनों पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए। अगर आप पोलर पैरेट के अंदर मेल फीमेल अभी भी पहचान नहीं पाए हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों एक साथ हैं और दोनों का बॉडी का कंपेयर कर सकते हो कि मेल किस तरह दिखता है और फीमेल किस तरह दिखता है। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले बिल्कुल वैसा ही आपको डिस्क्रिप्शन इन दोनों के बीच में दिखेगा। फीमेल थोड़ा डर गई है जो कि बार बार अंदर बाहर कर रही है, तो इन्हें आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये रहा पांचवें दिन का अपडेट। आज मैंने कुछ नया एक्सपीरियंस किया, कुछ नया देखा, चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये बेबीज इस घड़े से, इस मटके से अब बाहर आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आप देखिए जो दोनों पेरेंट्स हैं वो भी अब बाहर की ओर ही ज़्यादा रह रहे हैं। आज सुबह ही मैंने देखा कि ये सभी बच्चे बाहर आ रहे हैं, ज़्यादातर का आपको दिख रहा होगा, ज़्यादातर ने फ्री स्विमिंग करना, तैरना शुरू कर दिया है। अब वो बस घड़े के नीचे बॉटम में बस लेटे नहीं रहते हैं, अब वो पूरा ऊपर की ओर भी अब जा रहे हैं, उधर उधर पूरा तैर रहे हैं, बस ज़्यादातर इस घड़े के आसपास ही घूम रहे हैं। और दोनों बड़े पोलर पैरेट मछलियाँ इनको गाइड कर रहे हैं कि इनको किस तरह स्विम करना है, किस तरह तैरना है, किस तरह बाहर की ओर आना है। आप इस घड़े के किनारे पे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे घूमते हुए आपको दिख रहे होंगे। जब से इन्होंने जन्म लिया तब से मैं फर्स्ट टाइम इनको देख रहा हूँ कि ये इस तरह स्विम कर रहे हैं, इस तरह तैर रहे हैं। और पता नहीं फीमेल इनको क्या फीड कर रही है। जब से इन्होंने जन्म लिया तब से मैंने देखा कि इनका पेट फूला का फूला ही है, पेट पूरा भरा हुआ है। अभी दोनों बड़ी मछलियाँ बाहर हैं, अब आपको क्लियरली दिख पा रहे होंगे ये बच्चे। कुछ बच्चे तो अपने घर के छत के ऊपर चढ़ गए हैं, आप देखिए ऊपर की ओर वो स्विम कर रहे हैं, ऊपर की ओर तैर रहे हैं। उतना अच्छा ये बड़ी मछलियों की तरफ फ्री स्विम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पहले के कंपैरिजन में ये काफ़ी अच्छी तरह से तैर रहे हैं। आपको ये पोलर पैरेट मछलियों के बच्चे कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताइएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैंने जो हैंग ऑन बैक फिल्टर इस टैंक के अंदर लगाया था उसको भी मैंने ऑफ कर दिया है, उसको भी मैं नहीं चला रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे शक होकर इस फिल्टर के अंदर फंस गए तो नुकसान ही होगा, वो बिल्कुल बच नहीं पाएंगे क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी छोटा है। तो इसीलिए मैंने इस फिल्टर को बंद कर दिया। पोलर पैरेट मछलियाँ कई दिनों तक, कई हफ्तों तक बिना फिल्टर के भी रह सकती हैं। और आज मैं इन पोलर पैरेट मछलियों के बच्चों को फर्स्ट टाइम फीड करने वाला हूं, फर्स्ट टाइम मैं खुद से इनको खाना देने वाला हूं। उसके लिए मैंने इस टैंक से थोड़ा सा पानी ले लिया है, साथ ही यहां पर मैंने ट्यूबफिक्स वॉर्म, जो ड्राई ट्यूबफिक्स वॉर्म होता है वो मैंने लिया है और इसको बस थोड़ा सा इस पानी के अंदर सोक करना है। सोक होते ही ये पूरा फैल जाएगा, साथ ही मैं अपने उंगली से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता हूँ ताकि पोलर पैरेट के बच्चे इसे अच्छी तरह से खा पाएँ। अब ये पूरी अच्छी तरह से पानी के अंदर घुल गया है और अब इसे डालते हैं टैंक के अंदर। मैं ये ट्यूबफिक्स वॉर्म बस घड़े के आसपास ही डाल रहा हूँ क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर बच्चे घूम रहे हैं तो ये यहीं पर अच्छी तरह से खाएंगे। अगर दूर मैं डाल दूंगा तो शायद ये बच्चे ना खा पाएँ। अभी आप देखिए सारा ट्यूबफिक्स वॉर्म जो कि पानी के अंदर अच्छी तरह से सोख हो गया है तो वो अब नीचे बॉटम की ओर जा रहा है, तो बच्चे इसे काफ़ी अच्छी तरह से खा लेंगे। लेकिन बच्चों से ज़्यादा मुझे उनके पेरेंट्स, ये बड़े पोलर पैरेट ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। ये पूरा इस ट्यूबफिक्स फॉर्म को अच्छी तरह से खा रहे हैं। नीचे देखते हैं बच्चे क्या इसे खा पाते हैं या नहीं। मुझे तो कुछ इस ट्यूबफिक्स फॉर्म के कुछ टुकड़े काफ़ी बड़े लग रहे हैं, शायद उन टुकड़ों को बड़ी मछलियां खा ले और जो छोटे टुकड़े हैं उन्हें ये बच्चे खा पाएंगे। लेकिन इस ट्यूबफिक्स फॉर्म के बारे से बच्चे थोड़े डर गए हैं और वो वापस से घड़े के अंदर जाकर छुप गए हैं। आप देखिए अब उतने ये बच्चे बाहर की ओर नहीं आ रहे, बस घड़े के जो डोर है उसी के आसपास घूम रहे हैं, बाहर की ओर नहीं आ रहे हैं। और बाहर पूरा ट्यूबफिक्स वॉर्म का बारिश हो रहा है। इन बच्चों के लिए ये बिल्कुल नया चीज़ है, ये इसे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसके कारण ये थोड़े डर गए हैं और घड़े के अंदर जाकर छुप गए हैं। लेकिन मुझे लगता है थोड़ी देर में ये
इस चीज के साथ एडजस्ट हो जाएंगे और ये यहाँ पर अच्छी तरह से घूमने फिरने लगेंगे फिर से। साथ ही इन ट्यूफिक स्वर्म को ये खाना भी शुरू कर देंगे। वैसे तो मुझे इन बच्चों का पेट फुल लग रहा है, देखते हैं ये इसे खाते हैं नहीं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पोलर पैरेट के बच्चे पसंद आए, साथ ही अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर कीजिएगा और फॉलो भी कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको इसी तरह की मछलियों से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। ओके, बाय।